हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रम भी अच्छे, अंशु भी अच्छा है। ये देखिए ब्रेड खा रहा है। तो भाई मैंने भी ब्रेड खा लिया है। अभी एक घंटा शर्मा जी का भाषण सुनने के बाद, क्यों? क्योंकि मेरे रात में क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए बोले कि तू अभी तक इतना लेट हो गया और तू नाश्ता नहीं किया है, तो ये है वो है, इतना लेट तू कर रही है, फिर बच्चों को लेट कराती है। तो भाई बहुत देर के बाद मैं बोली कि तू अभी बोला कि इतना लेट सब काम करने लग गई, फिर आने लगी लेट, नाश्ता बहुत लेट हो जाता है, तो मेरी नाश्ता तो लेट होता ही, क्योंकि सब काम करने के बाद भाई नाश्ता तो लेट होगा। तो उसके चलते हमको बहुत सुनाए कि नाश्ता लेट मत कर, तो ऐसे ऐसे तू कुछ भी कर लेकिन नाश्ता लेट मत कर। तो अभी हम अंशु क्या किया, जल्दी से नहा के और ये पूजा कर लिया है, देख सकते हैं, पूजा करके अपना हेयर टिका ऊपर निकाल के, और अभी ये ब्रेड का नाश्ता हो रहा है। रात में कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए, नहीं तो मैं बिना नहाई तो नाश्ता आपको पता ही ऐसे नहीं करती हूँ कभी। हाँ तबीयत ख़राब हो गई तो बात अलग, नहीं ऐसे नहीं करते, पूजा करने के करके ही हम नाश्ता करते हैं। इधर में चिंटू भी लगा हुआ है मुंह बना रहा है अपना, ये तो बिना मुंह धो के भी नाश्ता कर सकता है, इसका तो कोई बात नहीं है, है ना भाई? हाँ क्या, तो ठीक है गाइस अभी कर लेते हैं। राज का मौसम बहुत अच्छा है, गुवाहाटी का बहुत, अब तो सब जगह ही मेरे को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर तो हरियाली है देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, बने रहिए पूरा ब्लॉग में, आप डेली देखो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। तो अभी हम कर लेते हैं नाश्ता। ओके बाय 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 बाय। तो वही शाम हो गया और अभी हम मम्मी बेटो यहीं बैठे जहाँ सोफा पे थे, हैं जो सुबह स्टार्ट किए थे, तो आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो? इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी बेटो बैठे, मम्मी और बेटा बैठे हुए हैं दोनों। और देखिए मैं आज आपको फिर से नाइटी में देखी ढक देती हूँ क्योंकि मैंने नहा के फिर से मैंने नाइटी पहन ली भाई, सीधी सी बात है। और अंशु देख रहा है मोबाइल और अभी खाया है खाना। और अंशु अभी शाम हो गया है, आज खाना में क्या बनाऊं तो तुम बता सकते हो, बता जो बोलेगा जो लाया है वो बनाओ। तो भाई अंशु लेके आया है पनीर और मैं बना रही हूँ दाल। अच्छा हो ही नहीं सकता, मंगाया पनीर है, मंगाया ही पनीर है। तो भाई मैं अभी बनाने वाली हूँ दाल, मस्त दाल तड़का और चावल, तो क्या बनाऊ तू बता। नहीं जी, जो लाया वो बना लो फटाफट, चलो अलग टाइप में बनाएंगे उसको। क्या लाया? पनीर लाया। और क्या लाया? तो पनीर अलग टाइप में बनाओ, अलग टाइप में बनाओ, अलग टाइप में क्या करूँ उसका, उसका एक्सपेरिमेंट करो कुछ, मतलब उसको आज अलग से कर देती हूँ, बहुत दाल बना के और पनीर को नहीं चाहिए, दाल पनीर नहीं खाना तो भाई दाल पनीर हो जाएगा क्यों? तो आज कुछ अलग तरीका से तो ऐसे ही बनाती हूँ, या फिर रोटी बना के उसके बीच में पनीर भर देती हूँ, वो अलग तरीका हो गया, या पकौड़ा बना दो, सब्जी ही खाना है सब्जी। तो भाई मैं क्या करूँगी, अभी मैंने अभी सोचा है, आइडिया है अभी दिमाग में, अभी 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 या तो करती हूँ टमाटर को अंदर से उसको छेद करके उसके उसमें पनीर भर देती हूँ और आँच के ऊपर उसमें सेक देती हूँ, क्या ऐसा भी होगा? कुछ नहीं है, सब बकवास था ही बोल रहा है। क्या बकवास था? कुछ भी बोल रहे हो, वीडियो देख रहा हूँ। तो देख रहा था क्या? चल ठीक है, तो गाइस अभी मैं किचन में जा रही हूँ और मस्त बना रही हूँ पनीर की सब्जी और बटर पनीर। ना ना ना, बटर पनीर बनाती हूँ, पनीर शाही पनीर, कढ़ाई पनीर बना दो तो कढ़ाई में तो बना रहो है ना तो ठीक है गाइस अभी हम जाते हैं किचन में, लग जाते हैं मस्त, अभी टेस्टी सा खाना बनाएंगे अभी, सब्जी और रोटी, ठीक है? तो चलते हैं, और आप लोग आप डेली वीडियो देखो, ठीक है? तो गाइस अभी सब्जी बना रही हूँ, प्याज अच्छा से फ्राई कर लिए हैं उसका ग्रेवी बना के, और अभी टमाटर डाल दिए इसमें, तो देखना अभी ग्रेवी बन के अभी तैयार हो रही है, हुई नहीं है, मतलब अभी टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ये देखिए, क्योंकि ये सब्जी पनीर की सब्जी क्या होता है, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही फेवरेट रहती है। अंशु बोला मम्मी आज यही बना दो, मोचर भाई आज यही बना देते हैं, तो अभी सब्जी बन के थोड़ा देर में तैयार हो जाएगी, तब तक मैं दिखा रही हूँ। इधर मैंने आटा लगा के अभी रख दिया है, इसके साथ पूड़ी निकालूंगी,
क्योंकि ये सब पूड़ी के साथ ही अच्छा लगता है ऐसे तो, जीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, चावल के साथ भी अच्छा, और ठीक है। और मेरे लिए तो मैं रोटी ही बनाऊँगी, पूड़ी मेरे को नहीं अभी वो हो रही है, तो मैं अभी रोटी बनाऊँगी मेरे लिए। तो जब बन के तैयार हो जाएगी तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो गाइस अभी 9 बज गए हैं और इधर से उधर घूम रही हूँ, कभी रूम में उसके पास चले जाती हूँ, कभी उसके पास चले जाती हूँ, दोनों बच्चों के पास। और एक बोल रहा है पूड़ी बना दो, एक बोलता है रोटी बना दो। आप बताइए क्या बनाओ, समझ में नहीं आ रहा है। अंशु तू क्या खाएगा? दे तेरी का। तो चल मैं सब रोटी बना देती हूँ अभी। तो आज तो एकदम बच्चों का भी बताइए मूड इसका ही होगी। ये बोलता है मेरे को सर्दी लग गया, जुकाम हो गया, तो हमको ना रोटी ही बना के दो। और चिंटू बोलता है पूड़ी बना के दो, और मैं बोली मैं भी रोटी खाऊंगी। तो अभी उसके लिए अगर बोलेगा तो मैं उसके लिए पूड़ी बना दूंगी, उसको अगर मन है तो इसके लिए जरूर पूड़ी बनाऊंगी। और मैं और अंशु हम मम्मी बेटा रोटी बना लेते हैं, और पनीर का सब्जी बन के तैयार हो गया है उधर अभी, और इधर रोटी बना देती हूँ, गर्म गर्म ये लोग को खाना खिला देती हूँ। ज़्यादा जल्दी खाने का खाना याद रहते नहीं है। ये लो अभी मेरे को बटर दिखा है, ये डालना उसमें भूल ही गई, बटर डालना भूल गई। अभी सामने देखा कि वाह बटर तो पड़ा हुआ ही है, तो भाई यही बात है, अभी उपाय में क्या करें, भूल गई तो भूल गई, अभी निकाल के डाल दूंगी, क्या कर सकते हैं। अभी वो भी एक फोन आ गया था उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी इसीलिए भूल गई थी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बिना सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, अधूरी लगेगी बिना बटर के। इसका नाम ही मैंने बटर बटर पनीर बना, रहा बटर नहीं डालेंगे तो फिर होगा कोई फायदा ही नहीं है ना। तो गाइस अभी मौसम तो इतना ठंडा हो रहा है, सब जगह में बहुत मौसम ठंडा हो रहा है अभी, तो सब जगह बारिश आ रहा है, सब जगह जहाँ देखते हो वहीं बोलते बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। तो अभी मौसम एकदम चिल, इधर में तो चलो कोई बात नहीं है, बारिश आ रही है तो भाई कौन सा, इधर में तो खेती को नुकसान हो रहा है। और हम लोग का साइड में हरियाणा राजस्थान में लोग बहुत मतलब अभी अभी मज टाइम है अभी कटाई का, क्योंकि गेहूं और सरसों का कटाई स्टार्ट, बारिश आ रही है अभी बहुत ज़्यादा आ रही है गर्मी तो अभी नहीं, उधर में आ रही है लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब आ रही है, अभी स्टार्ट हो गई है बारिश सब अभी तो हर जगह गुड़गांव दिल्ली हर जगह बारिश है, सब जगह बारिश, सब मौसम हर जगह का ठंडा है। मैं पनीर अभी वो डाली हूँ, बटर भूल गई थी। तो अंशु को जोश चढ़ा हुआ आज रोटी का, तेरा क्या जोश चढ़ा है रोटी का? ये बोल रहा है मेरे को सर्दी लग गई है, सर्दी लग गई नहीं चाहिए, कोई बात नहीं मैं भी रोटी बना देती हूँ, नहीं चाहिए तो क्या कोई कोई बात नहीं, इसके लिए रोटी बना दो, मैं तेरे लिए पूड़ी निकाल दूंगी। देख कढ़ाई में मैंने तेल निकाल के रख दिया था। अच्छा चलो भाई तेरे लिए वो बना, मैं सोची मेरे लिए रोटी बना लूँ, तुम दोनों के लिए पूड़ी बना दूँ, आटा लेके आ रहा था। तो गाइस अभी ऐसे चलते रहता है, ये लोग हैं कितना टाइम हो जाएगा, हो जाएगा बहुत सही, तो कितना खा लेगा तो तुम रुके, अभी छान देखते हैं इधर, पहले मैंने इसलिए नहीं रखा था, पूरी निकालूंगी तो पूरी खाएगा ना, पूरी लेके ना इच्छा पूरी पे टाइम लग जाएगा ना, कोई टाइम नहीं लगेगा ना, एक साइड में पूरी का क्या टाइम लगेगा, जब इतना मेहनत किया है तो। और भाई मेरे गांव में हम प्रोग्राम, सब बहनें मेरी इकट्ठी हो चुकी है उधर में, आज कुआ पूजन है इसीलिए अभी अच्छा नहीं लग रहा है, सब इकट्ठे हो गए। अभी क्या होता है छोटा मोटा फंक्शन में इतना दूर से ना पहुंच नहीं पाती हूँ भाई, यही बात है बहुत दूर है ना, अब सोच अब दूर जाने के लिए पहले 50 बार सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है भाई ऐसा, फिर एग्जाम है बच्चों का। अभी अंशु का तो आज खत्म हुआ है, कल हुआ था क्या आज है, कल अंशु का कल एग्जाम खत्म हुआ था, और इसका अभी हुआ नहीं है तो भाई पॉसिबल नहीं होता है जाना, तभी उपाय नहीं है। अभी ये छोटा छोटा प्रोग्राम है, अभी जलवा वगैरह इसमें तो नहीं जा पाते हैं, सीधा सा बात है। और शादी उदियों में तो जाना पड़ता है, वो भी एग्जाम टाइम नहीं आई तो भाई बच्चों की, नहीं तो उसमें भी नहीं, पहले इम्पोर्टेंट तो भाई बच्चों का एग्जाम वगैरह ही सब है, तो कोई बात नहीं है, दोनों देखना भी पड़ता है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी मैं तो वीडियो कॉल की तो सब इकट्ठी थी, सब डांस वांस चल रहा था, अभी क्या करें। और मैं सबसे छोटी हूँ, मैं इन चीज़ यार मेरे को बहुत नहीं पहुँचती हूँ ना, मेरे को दुख बहुत होता है लेकिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में इंजॉय मैं ज़्यादा ही करती हूँ, तो क्या करें यार, ऐसे उपाय नहीं है, दूर का मामला रह गया है, तो कोई बात नहीं है।
बहुत दूर है, छोटा मोटा सोच ही नहीं सकते हैं भाई इतना में तो। और कोई बात नहीं, अभी जाएंगे, अभी आने वाला है, ये लोग का छुट्टी होगा अभी तब जाएंगे, एक से डेढ़ महीना वहीं पे रहेंगे भी। तो ठीक है, अभी बना देती हूँ ये रोटी, तो अभी बनना स्टार्ट हो गया है। आ रहे बेटा, अभी जो रोटी खाने वाला है वो तो फटाफट खा ही लो पहले, या फिर साथ खाएगा तो साथ बना दूंगी। चलो ठीक है, पूरी खा देती हूँ पहले रोटी, सीधे कितना खाएगा, 5-6 पूरी गरम रोटी मैक्सिमम। ठीक है, तो गए सभी मम्मी खाने बैठी है, खाना हम लोग सबको खिला के अब लास्ट में मम्मी खा रही है। अब सब्जी तो एक नंबर बना है ना, और सिर्फ चिंटू के लिए पूरी बनाओ, मेरे लिए अंशु के लिए रोटी बनाया। आजकल पूरी भी नहीं अच्छी लगती, जस्ती नहीं ना। गैस हुआ आपको तो, गैस हो जाती है फटक से, पता नहीं बहुत ही, वो तो पहले तो नहीं होती वही, आजकल क्या हो गया। चलो कोई नहीं, अभी बढ़िया से खा लो, बस खा लिया भाई, पता ही नहीं जल्दी होता ही नहीं, टाइम तो इतना ही रहता है हम लोग का। शाम का टाइम क्या भाई ऐसे रहता है ना, कल देखी जल्दी खाना बना दी थी, खाना तो आज भी बन गया था, लेकिन ये लोग क्या होता है, खाना ही नहीं चाहता है, खाना अभी हम नहीं खाएंगे मम्मी, ये नहीं खाना चाहता है, खाया ना मैं तुरंत तुरंत, आज तो खा लिया था तो, लेकिन फिर भी खाना नहीं चाहता है मम्मी, अभी टाइम नहीं हुआ, हम रोल खा के आ गया, हमने ये पी के आ गया, ये खा के आज भी खा के आया था, फिर भी पिज्जा वगैरह सब खा के आया था, लेकिन फिर भी खा लिया टाइम पे, नहीं तो फिर मम्मी कच 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 तो भाई काम तो लेट हो जाता है, फिर वो तो है। हां तो लोग पहले खिला देते, फिर मन नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी तो सब वो खा ही लेते। समझे, ओके, तो ऐसे ही रहता, लेट भी हो जाता, तो ठीक है अभी खाना खा लेते हैं और फिर बाद में बात करते हैं। तो गाइस 11 बज गया है, स्टैंडर्ड टाइम हो गया है, और अभी कर देती हूँ ब्लॉक एंड। ये देखिए बच्चे, वाह बड़ा जल्दी सो रहे हो तुम लोग आज, बच्चों हमेशा जल्दी सोना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए, ठीक है। ओ सो जा लल्ला सो जा, तेरी मम्मी बनावे वीडियो। बस बस बस, तो अभी फैन देखिए इधर में चल ही रहा है, क्योंकि फैन तो एक दिन भी बंद नहीं हुआ पूरा साल, ठंड में ही नहीं हुआ, ठंड में भी कर देंगे, एक दिन भी लोग फैन बंद नहीं किया, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे को देख सकते हैं, इन बच्चे को एक दिन भी फैन बंद नहीं किया जो, नहीं हम तो फिर भी है ना 15-20 दिन किया था बीच में बंद, हम लोग ज्यादा कर दिए महीनों पर ना 20, लेकिन ये लोग तो एक दो एक दिन भी बंद नहीं किया, बोला हम लोग बंद नहीं करेगा, तो अभी भी मैं काम कर रही हूँ, दूध जमाना भी बाकी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर लिया था मैंने, इसीलिए दूध नहीं जमाया, और अभी जमा देती हूँ दूध, उसके बाद मैं भी सो रही हूँ भाई, फाइन नहीं हुई। तो ठीक है गाइस, बने रहो, डेली वीडियो देखो, लाइक करो, कॉमेंट करो, नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।